हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और औषधि पौधा, जिसमें कि इस प्रकार के फूल होते हैं, ये देखिए। और इस तरह का ये पौधा होता है, ये बहुत छोटा पौधा है। इस तरह के इसके पीले पीले फूल होते हैं, जो कि सूर्य उदय के साथ ही खिलते हैं और 2-3-4-5 घंटों में ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप सुबह सुबह इस पेड़ को देखेंगे और फिर दोपहर में देखने जाएंगे तो ये फूल आपको नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। इसका प्रयोग कई महत्वपूर्ण बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, ये जो पेड़ है, ये वन गोभी का पेड़ है। ये घास के रूप में ज़मीन से चिपका रहता है। वन गोभी के नाम से या जंगली गोभी के नाम से इसको जाना जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार इसकी प्रकृति जो है ठंडी होती है। ये खाने में थोड़ा कसैला होता है, कड़वा होता है। ये बहुत सी बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है। ये हमारी कई बीमारियों में लाभप्रद है। अगर किसी को बिच्छू काट लेता है या बिच्छू डंक मार देता है, ऐसी स्थिति में इसके पत्तों को तोड़कर उसका रस निकालकर प्रभावित जगह पर लगाने से उसके विष का असर ख़त्म हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार बुखार आ रहा है, ऐसी स्थिति में इसके पूरे पेड़ को उखाड़कर उबाल लीजिए और उसका रस निकालकर पीने से बुखार ख़त्म हो जाता है। देखिए भाइयों, ये कितना बेहतरीन औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा है। इसकी पत्तियाँ जो है ना, गाय की जीभ की तरह होती हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम गौजिभ्या भी है। गौजिभ्या के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर किसी भाई को खांसी आ रही हो तो इसके पत्तों का रस निकाल के शहद के साथ पीने से, 1 चम्मच रस और 1 चम्मच शहद इसका इस्तेमाल करने से खांसी 4-5 दिनों में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। अगर ये भाइयों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और घंटी के बटन को दबाइए। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो है अर्श की बीमारी में होता है भाइयों। जो अर्श की बीमारी होती है, बवासीर की बीमारी होती है, उसमें इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बवासीर, चाहे खूनी बवासीर हो चाहे बादी बवासीर हो, ऐसे भाइयों को इसके पत्तों का रस निकाल कर उसमें 1-2 काली मिर्च मिलाकर उसको सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में बहुत आराम मिलता है। बवासीर चाहे बादी हो या बवासीर की गांठें हो, वो बहुत जल्दी ठीक होने लगती हैं। इस प्रकार भाइयों, देखिए ये कितना बेहतरीन औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा है। इसकी जानकारी मैंने आपको दी। मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगले पौधे की, इस पौधे में तांबे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसका जो दूध होता है वो पीले रंग का होता है। जिन पौधों के फूलों का रंग पीला होता है, वो बहुत बेहतरीन रक्त शोधक होते हैं। वो खून की बीमारियों को ख़त्म करते हैं।